ब्लू रूबी स्पेशल स्टील 1 and 2 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी अमेरिकन डायमंड एंटिक आर्ट ज्वेलरी अब आपके शहर में राम मंदिर रोड बीजापुर। वन ग्राम गोल्ड शॉप है हमारी, यहाँ पे हर चीज मिलेगी आपको, लॉन्ग नेकलेसेस पकड़ के शॉर्ट्स सभी हेड टू टो आपको सभी लेडीज आइटम मिलेंगी, जेंट्स आइटम भी मिलेगा, एडी एंटी और ऑक्सीडाइज सभी चीजें मिलेंगी। क्वालिटी एकदम A1 है, एज इट इज गोल्ड के जैसा दिखता है। आप हमारे शॉप पे एक बार विजिट करिए, देखिए आपको सेटिस्फेक्शन। थैंक यू। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर महानगर पालिका चुनाव 358 उम्मीदवारों ने दिया नॉमिनेशन। बीजापुर शहर के महानगर पालिका चुनाव के चलते कल 17 अक्टूबर नॉमिनेशन देने की आखिरी तारीख थी, जिसके चलते अब तक जिला पंचायत कार्यालय में कुल 358 अलग अलग पार्टीज के उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। कांग्रेस और बीजेपी से कुछ नाराज उम्मीदवारों ने बगावत की है तो कईयों ने आजाद उम्मीदवार अपना नाम दाखिल किया तो कईयों ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा है। अब तक दाखिल किए गए नाम पत्रों में बीजेपी से 93, कांग्रेस से 65, जेडीएस से 25, आम आदमी पार्टी से 19, एआईएमआईएम से 4, केआरएस पार्टी से 3, जनता पार्टी से 3, एसडीपीआई से 3, समाजवादी पार्टी से 3, बीएसपी से 1 नॉमिनेशन दाखिल किया गया। आज बीजापुर महानगर पालिका के 35 वार्ड्स के उम्मीदवारों के दस्तावेजात की वेरिफिकेशन होगी। 20 अक्टूबर को नाम पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है, उसके बाद ही पूरा खुलासा होगा कि आखिर में कितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जिनके लिए 28 अक्टूबर मतदान होगा और 31 को नतीजे घोषित किए जाएंगे कि जनता ने किसको अपना वार्ड का कॉर्पोरेटर चुना है। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।